नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। साल 2024 के शुरुआत में बिहार के राजनीति में कई तरह के बदलाव देखने को मिलने शुरू हो गए हैं। ये बदलाव क्या नई सरकार को आने की आहट दे रही है? कई तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में इस वक्त दौड़ रही है। नीतीश कुमार अपने बड़े बड़े अधिकारियों से, कल ही हमने आपको दिखाया था कि अपने एक अन्य मार्ग पर एक तरफ नववर्ष की शुभकामना देने के लिए बुला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में होने वाली बदलाव को लेकर के भी चल रही है। नीतीश का अगला कदम क्या हो सकता है, इस पर भी मंथन कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कई तरह के राजनीति उठापटक इस वक्त बिहार के गलियारे में घूमता हुआ नजर आ रहा है। आपको यह भी बता दें कि 10 जनवरी में 14 तारीख के बाद से कुछ बड़ा होने की आशंका कई राजनीतिक गलियारे के लोग चर्चा कर रहे हैं। विश्लेषण के माध्यम से हमारे संपादक नमन मिश्रा सर या फिर विजय मिश्रा बाबा की अगर बातचीत करें तो वो भी आपको बताते रहे हैं कि कई तरह के बदलाव राजनीतिक गलियारे में हो सकते हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारे में बदलाव के साथ साथ नए साल की शुरुआत में ही नीतीश ने बड़े अधिकारियों आईएएस और आईपीएसों का प्रमोशन मिल गया है। 7 अफसरों को सचिव रैंक में प्रमोट किया गया। आईपीएस शिवदीप लांडे समेत पूरी लिस्ट हम आपको अब बताने जा रहे हैं। बिहार में साल के शुरुआत होने के साथ ही 7 और 14 आईपीएस अफसरों को प्रमोट कर दिया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 7 अफसरों को सचिव रैंक की प्रमोशन दी गई है, वहीं 11 आईपीएस अफसरों को डीआईजी रैंक में प्रमोशन मिला है। इसके अलावा 3 डीआईजी को आईजी रैंक में पदोन्नति मिली है। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे आईजी बन गए हैं। वह 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सीआईडी के डीआईजी गरिमा मलिक को भी प्रोन्नति दी गई है, यह भी 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीआईजी एस प्रेम लथा को भी प्रोन्नति आईजी में मिली है, यह भी आईपीएस 2006 के अफसर है। बिहार के निगरानी एलिवेशन ब्यूरो के एसपी मीनू कुमारी, पटना एसएसपी राजीव मिश्रा, राज्य अपराध अभिलेखन ब्यूरो के एसपी दीपक बर्णवाल और पुलिस महानिरीक्षक क्यू के सहायक नीलेश कुमार को प्रोन्नति डीआईजी में मिली है। वहीं अगर बातचीत करें सिमुतला पुलिस प्रशिक्षण कमांडो मृत्युंजय कुमार चौधरी, मुजफ्फरपुर विशेष सशस्त्र पुलिस 6 कमांडेंट सहित पटना विशेष शाखा के एसपी अभय कुमार लाल और रश्मि जमा को पदोन्नति मिली है। आईआरएस प्रमुख अधीक्षक अनिल कुमार, बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के सहायक निदेशक अरविंद कुमार गुप्ता और बीएमपी 5 कमांडेंट प्रमोद कुमार मंडल को भी प्रोन्नति डीआईजी में दी गई है। ये लिस्ट हम आपको इस वक्त अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन लिस्ट को देखिए किस तरीके से जो आईएएस अधिकारी का प्रमोशन हुआ है, ये प्रमोशन अब धीरे धीरे आपके स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है। तो बिहार में कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इन बदलाव में ये बदलाव भी कई मायनों में महत्वपूर्ण बताई जा रही है। फिलहाल खबरों का सिलसिला जारी है, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।